हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए मैं चूल्हा बना रही हूँ और यहाँ पे है इस चूल्हे का मिट्टी, मैंने तोड़ दिया। पुराना मिट्टी था लगा हुआ, बट सामने से देखा ये देखिए तो भाई ने इस पे मिट्टी दिया है इस चूल्हे पे। गैस खत्म हो जाने पे तो मैं इसी पे खाना बनाती हूँ। ये देखिए, पता आपको मैंने इसमें क्या दिखा? ये देखिए मिट्टी दी है मैंने, और ये गोबर, और उसके बाद ये राख। मिट्टी, गोबर और राख, ये तीनों को मिलाकर अगर चूल्हे पे मिट्टी दिया जाए तो बहुत ही बेटर होता है। इससे क्या होता है, मिट्टी में क्रैकिंग नहीं आती है। कई बार हम सिर्फ प्लेन मिट्टी का चूल्हा लिप देते हैं तो क्रैक आ जाता है, फट जाती है, तो इससे नहीं फटेगा और चूल्हा बहुत अच्छी तरह से बनेगा। और ये वाला चूल्हा मैं पाथी से खाना बनाने के लिए रखी हूँ। जैसे कभी कोयला नहीं होता है तो पाथी इधर में मुँह की बड़े, इधर से दिखा दीजिए, ईंटे का ही चूल्हा बनाया है। लकड़ी से जला के इधर से लकड़ी डाल के और इधर मैं खाना बना सकती हूँ, बट इसमें लकड़ी नहीं डाल पाएंगे लकड़ी डाल के खाना, क्योंकि यहाँ पे इसका यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ये देखिए, ये कोयले की अंगीठी है ये, और इसमें मैं लकड़ी जला के भी खाना बना पाऊंगी। वैसे ये है सीमेंट की, तो मैं इससे भी मिट्टी लिप देती हूँ। जब ये सूख जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। इसके अंदर चूना रखा हुआ था तो इसीलिए ये इस तरह से व्हाइट हो गया है। नीचे को नीचे लगा खाला को लगे, मुझे भी बोला था, मैंने अच्छे से भी बोला। जैसे ईंटे से बनाए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जाम कर दूंगी ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह अंदर ना आ पाए, फिर वो भी जल जाएंगे। इन सबको मैं मिट्टी से जाम कर दूंगी। यहाँ पे तो ज्यादा मिट्टी दे देंगे। देखने में अजीब लग रहा होगा आपको, बट ये जब सूख जाएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। पाथी से खाना बनाने के लिए मुझे वहां पे जाना पड़ता है। पहले वीडियो में देखे होंगे, मैं उधर बैठ के वहां पे बैठ के मैं पाथी से खाना बनाती हूँ उस जगह पे, पर मुझे अब इधर उधर नहीं होना पड़ेगा, एक जगह बैठ कर मैं खाना बना सकती हूँ। ओ
वाली चूल्हा अंगीठी टूट गया था तो इस बार मिट्टी दे दिया, क्योंकि गैस खत्म हो जाने पर बहुत मुश्किल होता है खाना बनाने में टूटे चूल्हा पे। और इसको मैं पूरा साफ कर दूंगी। बेटा अंदर दिखाइए, देखिए अंदर इस तरह से है। और यहाँ पे है ये, मैं इधर से लकड़ी डालूंगी या फिर पाखी रख के, फिर इसका मुंह बड़ा चौड़ा है तो खाना बनाने में ठीक है, बहुत सारा कोयला या फिर आपका लकड़ी ये सब जला के खाना इजली बन सकता है। अगर कोई आ भी जाए तो मैं कोयला डाल के भी इस पर खाना बना सकती हूँ। जब ये सूख जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बना है। सामने लिख के आइए, अभी हनी पड़ोस के घर गई हुई है तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो 12-1 बजे वो एक लड़की आती है, वो लेके जाती है, पड़ोस वाली वो बुआ लेती है, अच्छे हैं वो लोग, लेके जाते हैं हनी को। और तब मैं ये सब जो फ्री टाइम में जो ये मेरा घर का काम होता है मैं वो सब हैंडल कर पाती हूँ, अदरवाइज हनी को संभालते संभालते मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता है। ये सूख जाएगा तो फिर कल और एक बार इसको लेपेंगे। इसमें चूना रखा हुआ था ना तो इसमें चूना चिपक गया है बहुत सारा, दिखा आपको। तो ये देखिए अब मैं इसको लिख दूंगी और यहाँ पे मैं डाल लिया दीदी इससे खाने के लिए। ओके फ्रेंड मैं रखती हूँ अभी, अब ये थोड़ा सूख जाएगा तब मैं दिखाऊंगी और ये पूरा क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।